नहीं, पहले हाथ उठा, अब उठा खाले। तो हेलो, कैसे हो सब? क्या भैया, एक व्लॉग बना के कहाँ गायब हो गए? ऐसे होती है व्लॉगिंग? ऐसे बनोगे बड़े व्लॉगर? तो भाई व्लॉग ना आने के दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है भाई, मेरा मैक्सिमम टाइम जो होता है वो बीतता है इसी रूम में। अब इस रूम में मैं क्या ही व्लॉग बना लूंगा, क्या ही आपको दिखा दूंगा, तो डेली व्लॉगिंग तो हो नहीं पाती है ऐसे। और व्लॉग ना आने का दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि मैं हो गया हूँ आलसी। लेकिन आज सारे आलस को साइड में रखे मैंने फाइनली डिसाइड कराया कि भाई व्लॉग तो बन के रहेगा, क्योंकि भाई मौसम भी बहुत सही हो रहा है, धूप नहीं निकली हुई है, तो मैंने सोचा बनाते हैं व्लॉग। तो अभी सबसे पहले मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो पहले इसको कटवा के आते हैं। उसके बाद मार्केट में मुझे और भी काम है, तो उनको एक ही करके निपटाएंगे। बाकी मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को बुला लिया है, वो मुझे लेने आता ही होगा। जैसे वो आता है निकलते हैं मार्केट के लिए। और हाँ, एक और बात, अभी जो व्लॉग कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ अपने फोन से, क्योंकि मार्केट में भाई कैमरा लेके अभी निकलने में इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे आया नहीं है, तो अभी अपना फोन ही बढ़िया है, इससे ही व्लॉग करेंगे अभी धीरे धीरे। मैं पहले ही आया, कॉल करके आता ना, चले एक काम कर तू, हाँ मोड़ पे रुक, मैं व्लॉग करते आऊंगा कि राकेश आ चुका है, मैं हम उससे मिलने जा रहे हैं, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा ना, चल तू मोड़ पे रुक वहाँ पे। अभी राकेश की मेरे पास कॉल आई थी, वो आ चुका है, सामने खड़ा है मेरे, तो अभी मैं जाता हूँ उसके पास और हम लोग निकलते हैं। सबसे पहले दाढ़ी कटवाने जानी है, तो सबसे पहले जाते हैं सैलून में। सैलून बोलो या नाई की दुकान बोलो, हम जा रहे हैं दाढ़ी कटवाने के लिए। राकेश आ चुका है ये। हाँ भाई, हाँ भाई, कैसा लग रहा है? चलें और भाई दाढ़ी मैंने सेट करवा ली है, देख सकते हो काफी अच्छी सेट हुई है। कहाँ जाना है अभी इसके बाद? पिज्जा खाने। पिज्जा खाने? पिज्जा नहीं, बर्गर। बर्गर? बर्गर नहीं खाते हम लोग, बर्गर खाते हैं, ठीक है। तो अभी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए जाते हैं। तो अभी चलते हैं किसी कैफे में और कुछ खा के आते हैं। अरे यार, भाई अभी हम लोग कैफे के अंदर गए और कैफे पूरा हाउसफुल, एक भी टेबल खाली नहीं है। अभी ऐसे घुरे जा रहे हैं, अभी मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं सुन रहा हूँ राकेश को चाउमीन खिलाए काम चला दूँ। ना ना ना, आगे है वो, चल चलते फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे कैफे में, देखते हैं भीड़ है या नहीं है। और यहाँ पर भी पूरा हाउसफुल है। तो दूसरे कैफे में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी जगह मिल चुकी है, और ब्लॉग कर रहा हूँ मैं बिल्कुल छुप के, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही ना सबके सामने ऐसे बनाने की। बर्गर खाएगा या पिज्जा? चालीस का बर्गर है। नहीं बता दे, कुछ भी बता दे। पिज्जा, पिज्जा। और कॉक पिएगा? कॉक? कॉक पिएगा? कॉक नहीं, मैंने कॉक बोला था। चल एक कॉक पिएगा तू, कॉक और एक पिज्जा, ठीक है। अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस अभी हमारी अटेंडेंस लगेगी, तो अपना खाना नहीं खाएंगे। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रेड चिली तो ठीक है, लेकिन तंबाकू क्यों रखी खाने के लिए? ये वो है आपके स्नैक। अच्छा, खाने पीने के बाद गले को फेंका दो उसको, प्रेस करके। फाइनली वेट करने के बाद हम लोग की मील आ चुकी है। भाई फ्रेंच फ्राइज इतने शौक से ली थी, लेकिन वो खाते खाते परेशान हुए, खत्म होने में नहीं आ रही है ये। फ्रेंच फ्राइज कोई अच्छी चीज होगी, आलू उबाल के दे दी। तो भाई खा पी के हम लोग आ गए थे बाहर, और अभी हम लोग आए राकेश के लिए दूध लेने। दूध पिएगा अभी? अभी पिएगा, बाद में, बाद में पियूंगा। चल बाद में पी लेना। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए लोया हेट। लोया हेट पहुंच के आपको दिखाते हैं कि क्या सीन हो रहा है वहाँ पे। वैसे हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, तो पता नहीं क्वालिटी आएगी नहीं आएगी, देखते हैं कैसा होगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके थे और हमें भाई मिला है। अरे सर, मैं हम आपके बहुत बड़े भाई, हमारा बहुत बड़े कैसे होते हैं यार सब्सक्राइबर, तो ऐसे कितने बड़े हो आपके जितना? नहीं छोटा ही है। अरे इतना भी छोटा नहीं है। तो भाई हम लोग यहाँ पे रुके थे, जानते हैं हम इसको, पहले से मजाक कर रहे हैं, बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से नहीं है, इतना झूठी मत बोल यार। हो गया, बेंच प्रेस मारता हूँ मैं, एक हफ्ता हो गया हुआ सर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाईपास में, और क्या करने आए हम लोग यहाँ पे? क्या करने आए? यहाँ पीस है, नदी है, शांति है, शांति है, यहाँ है एकता नहीं है, शांति है, गीता है। और ये भाई भी हमारे साथ आ गया, पीछे पीछे लग गया था हमारे, ये बहुत बड़ा आ गया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को है मार्केट में कुछ काम, हम लोग को नहीं, खैर सिर्फ मुझे है, मुझे जिम के लिए कुछ टी शर्ट लेनी है, तो टी शर्ट लेंगे पहले, फिर उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद तो कोई काम है नहीं बस। अरे नहीं राकेश नहीं, अरे क्या आ जा, अरे बैठा है। अच्छा चल ठीक है, मैं को भयंकर तेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगा यार मैं। जिसने बाईपास नहीं देखा है उसको हम भ्रमण कराने लाते हैं। भ्रमण बोलेंगे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? घूमना नहीं, इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता, कमजोर है। कौन से स्कूल में पढ़ता है तू? सराफ में। भाई सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में हमारे शहर के, और इसकी इंग्लिश, हाँ ऐसे बोलना, इसकी इंग्लिश इतनी बेकार है, क्या कर रहे हैं टीचर ये लोग यार। टीचर तो अभी भाई हम लोगों ने
एक स्लोमो वीडियो शूट करी यहाँ पर, तो ये बोल रहा है मुझे भी आना है। हाँ, दोबारा देखते हैं। तो दोबारा एक और, अब अगले फ्रेम में जो देखोगे मैं और राकेश आएंगे, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि भाई जो हमारे साथ आया था उसके पिताजी की कॉल आ चुकी है। तो पिताजी खतरनाक है, इसके लौंडे खतरनाक करे खतरनाक बातें। तो अब हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो चलते हैं अब खटीमा की ओर। तो अभी मैं अपने घर आ चुका हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा होगा। इस वीडियो पे हम लोग कोई लाइक एम नहीं कर रहे हैं, जितने लाइक करने हैं आप लोग कर देना, ठीक है? और बहुत ही जल्दी मैं उत्तराखंड में एक बाइक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो उत्तराखंड के आपको और भी व्लॉग्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब मिल क्या सकते हैं, मिलेंगे। तो अगर आप व्लॉग्स देखना चाहते हो और आगे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? बाकी अभी मुझे पसीना आ रहा है बहुत, क्योंकि व्लॉग बनाते टाइम फैन ऑफ करना पड़ता है, तो अभी मैं फैन ऑन करने वाला हूँ। तो बाय, ठीक है।